गाइस, इन सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। मैं अपनी फैन को दे रहा हूं। हां अबे हटड़े, तो भाई आपसे बाहर जाके मिलते हैं, इससे नहीं वह मतलब बाहर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। भाइयों तसल्ली से बैठ जाओ, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा पूरे ईद में जो जो होगा। और इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग आज रात तक मैं डाल दूंगा मैं भी। तो भाई तो शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं तैयार वगैरह, नमाज वगैरह हमने सब कुछ पढ़ ली, मिल लिया सबसे। एंड अभी जाएंगे कुछ बाहर, कुछ खाएंगे पियेंगे। बाकी मैं आपको अपने दोस्त दिखाऊंगा, उनकी ड्रेसिंग वगैरह दिखाऊंगा, कैसे फुद्दू लग रहे हैं, किसी काम के नहीं लग रहे। तो आपका भाई देखो कैसे अच्छा हैंडसम लग रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक जो होता है वो कर लें। और बस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। तो गाइस ये देखें, इसके अपने शशके हैं, उसके अपने शशके हैं, मेरे छोटे भाई के अपने शशके हैं। तो गाइस इन सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। अबे हटड़े, तो भाई आपसे बाहर जाके मिलते हैं, इससे नहीं वह मतलब बाहर। भाइयों ये देखिए, इधर टिकटॉक शूट हो रहा है, व्लॉग गया बाढ़ में। आप ये देखिए इसके काम चेक करें, किसी काम का नहीं है। गाइस अब्बा से ईद वगैरह मिली हमने, और अब्बा मिलेगा मेरे छोटे भाई के बच्चे से। भाइयों आप मुझे ये बताओ कि ये मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं ये पहनूंगा, फिर आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। मुझे आप बताओ सही लग रहा है या बस ऐसे ही काम चालू है। अगर सही लग रहा है तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताना, मैं आपको मेरी तरफ से आपको ईद की मिठाई। और ये देखो गाइस घर में व्लॉग बनाते हुए। अच्छा भाई मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, हम मुझे ईद मिली है ये दो नोट, आपको कितनी मिली है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा हो गया फिर भी घर से ईद ले रहा है। भाई ये एक रस्म होती है और ये लेने में मज़ा भी आता है, तो आप भी लेते होंगे जाहिर सी बात है। एंड मुझे ये सिर्फ अबे की तरफ से मिले हैं, अभी अम्मा की तरफ से रहते हैं, तो मैं वो लेकर फिर आपको टोटल बताऊंगा कि मेरे पास कितने हुए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं आपसे बाद में। भाइयों जैसा कि आपको पता है, हम हर साल की तरह एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं बिरयानी खाने, और इस साल भी हम तैयार हैं। और मेरे साथ कुछ मेरे अपने बचपन के फ्रेंड हैं, तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ इस बंदे से, जिसका नाम है मज़र मीर चन्ना। बाकी मैं इनकी उधर जाके लूँगा। ईद मुबारक। खैर मुबारक, वाह गुड। सेकंड है भाई मेरा फैसल, और आपको फैसल की तरफ से ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो बाकी आते हैं, आते जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लाजमी। तो अभी वेट हो रहा है कुछ बंदों का, जब वो आ जाएंगे फाइनल में आपको लाजमी दिखाऊंगा। तो मज़र शौकियाँ मारते हुए रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा भाई। A few moments later. अच्छा भैया जैसा कि हर साल की तरह हमारी ये रस्म होती है और हम इधर खाने आते हैं। क्या ये देखो आप पीछे बिरयानी आए है। तो बाय द वे हम खाते हैं ये बिरयानी और आपको खा के दिखाते हैं बिरयानी का कैसा टेस्ट है। और एक दफा सब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन आया है हमारे साथ से। फहीम एंड फैसल, मज़र, शकील मेरा भाई, एंड असर आई मीन सीजन, एंड राहिल, एंड कामरान, एंड फैसल, ओ सॉरी भाई 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 खाते हुए। हाँ कैसा टेस्ट इसका बता दे। असा ये मानी तारीफ कर दिया सिंधी में चेजे तो बना पैसा वसूल कर जरा बिना नहीं। तो भाई बिरयानी खाकर आपसे बात भी मिलती है। हाँ जी बिरयानी ये है और मैं आपको खा के दिखाता हूँ, मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ कैसा है। केड़ो तरीको यार है। हाँ खास नहीं है एवरेज भैया। अच्छा भैया मैं सारा कुछ खा लिया और बस और वह खाने का तो मैं लूँगा नहीं तो भाई यही हमारी ईद यही है। इसमें लोग इधर एंड करते हैं, मैंने भी लोग एंड नहीं करते, आपसे बाद में मिलते हैं। सही है गाइस। अच्छा भैया हमने जो खाना था खा लिया, अब सीधा जा रहे हैं घर। जो शाम को हुआ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, और बाकी बातें आपसे शाम की करेंगे, अभी बस घर जा रहे हैं। तो बस अच्छा भाई जैसे घर जा रहे थे दोस्तों ने कहा नारेशा दरगाह पे चलते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर इधर से होकर फिर सीधा चलेंगे घर की साइड।
गाइस अभी मुझे मज़र बो रहा था, मैं ऐसे सीधा खड़ा हो जाऊंगा तुम फिर मेरी शूट करना। गाइस ये देखो, ये तो दुआ मांगने आता है यार, पोज मारने आता है। 2 hours later. अच्छा भैया, उधर से हम बिरयानी वगैरह खा के जैसे फारिग हुए, मैं घर आया था, सो गया था। फिर मुझे पता चला कि मेरे सारे घर वाले नानी के पास आ गए, तो मैंने सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए नानी के पास, तो मैं आ गया हूँ इधर। मतलब इधर मेरा अपना पूरा बचपन गुजरा, ये एक अलग कहानी है, ये मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा तसल्ली से बैठ के। मैं आपको बता दूँ, अभी बस इधर बैठे हैं, चाय वगैरह पिए, उसके बाद जो वगैरह छोटी मोटी एक्टिविटीज हुई आपके साथ शेयर करूँगा। मोरल ऑफ स्टोरी, ईद के दिन जो मैं करता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे नानी का घर है और इधर मैं पला बड़ा हूँ। मतलब कि मैं इतना सा था, मतलब छोटा ही था, तो मैं इधर ही पला बड़ा हूँ। तो ये देखो हमारे बच्चे घूम रहे हैं इधर। जो मेरे अब्बा वालों का घर था वो इस साइड था, इस साइड, और हमारा ये मेरे नानी वालों का था, साथ में थे। अभी हम अपने एक अलग घर में शिफ्ट हो गए, जिधर आप मेरा अक्सर ब्लॉग देखते रहते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये पहले इतना नहीं था, ये इन्होंने अभी मॉडिफाई किया है अपना घर। पहले ये थोड़ा सिंपल था, ऊपर भी नहीं था, ऊपर भी मामू रहते हैं, तो बस यही था। अच्छा भाई, वो ईद के दिन मिठाई खाने का मज़ा ही अपना होता है, तो मैं मिठाई आपको दिखाता हूँ। ओए हो यूँ इसकी पैकिंग चेक करो, अरे आई इसमें से यार आधे तो गायब है, आधे क्या बल्कि पूरा ही गायब है। चलो मैं इसमें से, ये मेरे भाई का काम है तो इसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं सुबह से मेरे ख्याल से 5 या 4 खा चुका हूं और अभी एक और खा रहा हूं, मतलब टोटल 6 हो गए मेरे ख्याल से, या 5। तो मिठाई खाने का ईद के दिन का अपना ही मज़ा होता है। पता नहीं क्या यार, इसमें दिल रुक ही नहीं था। ये देखें आप, ये देखें, इतनी तो मैं खा नहीं सकता भाई, बस यही था। इसमें जो होता है मैं आपको वैसे चीज़ें दिखा रहा हूँ, और भी लोग दिखाते होंगे, बट मैं आपको वाफे हो। तो मुझे आपसे ईदी नहीं चाहिए, बस ईदी के बदले आप एक स्वैप करते हैं।